हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट कोचिंग नरवर में। तो आज हम आपको पॉलिटी के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हर परीक्षा में आपके लिए पूछे जाते हैं और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, तो इसका आंसर आप यदि जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आइए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा और अपनी तैयारी को भी ऊंचाइयों तक ले जाइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मुझे आशा है कि यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। और आप देख रहे हैं स्मार्ट कोचिंग नरवर। क्या देख रहे हैं? स्मार्ट कोचिंग सीओ स्मार्ट कोचिंग नरवर, जो कि ये चैनल पहले मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आपको यहीं पे कराई जाएगी। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और अपने साथियों को भी बता सकते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? भारत के संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे? यानी कि वो थे अपने श्री बी एन राव। कौन थे? अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे समझेंगे कि अम्बेडकर थे। अम्बेडकर नहीं थे, कौन थे? श्री बी एन राव थे। कौन थे दोस्तों? श्री बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है अपना राइट आंसर होने वाला है। और इस चैनल पर आपको रोज पॉलिटी, हिस्टोरी, जियोग्राफी यानी कि GK GS और करंट अफेयर्स के वीडियो आएंगे स्मार्ट कोचिंग नरवर चैनल पे। और यदि आपको हमारे से जो है मैथ पढ़ना है तो हमारा एक जो है नया चैनल हम आपके लिए क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, तो आपको बता देंगे, तो आप वहाँ से अच्छे से मैथ भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किसने किया था? भारत की संविधान सभा का गठन किसने किया था? तो मुझे जैसे कि किसके द्वारा हुआ था या किसने किया था और कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। और ये किस सन में किया गया है इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मुझे पता लग सके कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों, बताइएगा। ए ऑप्शन, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन क्वेश्चनों से ये चार ही पॉलिटी के क्वेश्चन हैं और इसी तरीके GK GS और करंट अफेयर्स में आपके पूरे में से पूरे नंबर दिलाने के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ खड़े हो जाइए, जी जान से मेहनत कीजिए। अब आपको हद पार मेहनत करनी होगी। हमने कहा है कि हम आपके हर सपनों को पूरा करेंगे। हमारी दिल की दुआ है कि आप अपने सपनों को पूरा कीजिएगा। जैसे कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मेरे दिल की दुआ है कि आपके सारे सपने पूरे हो। तो हम अपने पूरे दिल और जान से आपके साथ लगे हुए हैं, तो आप भी लग जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार पटेल थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल थे। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल।